नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, मैं अभिषेक मिश्रा टीम सीएलसी और हमारे साथ हैं रणवीर सर, सीएलसी के मजबूत स्तंभ, जाना माना चेहरा। अब आप बात करते हैं विक्स कंपाउंड सो टोटोमेरिज्म की बात हो रही है सर। तो टोटोमेरिज्म सर, टोटो मतलब क्या होता है? कछुआ। हाँ जी सर। हाँ, कछुए काम होता है चलना एक जगह से दूसरी जगह। केमिस्ट्री में अपने हाइड्रोजन जनरली 10+2 लेवल तक हाइड्रोजन एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे चला जाता है, ठीक है। तो CH3 यानी कि सर वही बात हो गई, अल्फा हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजन के शिफ्टिंग के कारण फंक्शनल ग्रुप अगर चेंज हो जाए तो कुछ कंपाउंड में टोटोमेरिज्म बोलेंगे। N डबल बॉन्ड O CH3 CH2 N डबल बॉन्ड O O जी सर CH3 CH डबल बॉन्ड PH CH2 CH डबल बॉन्ड NH और CH3 CONH2। इतनी बात हमने लिख दी। तो सर ने भी क्या कहा, अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा CO के ठीक बगल में कार्बन के पास हाइड्रोजन, तो ये H ट्रांसफर होगा, अल्फा H SP3 होना चाहिए, ठीक है। NO के ठीक बगल में H का ट्रांसफर यहां होगा जी सर। इसको कहते हैं कीटोइनोल टॉटोमेरिज्म जी सर। ये हो गया नाइट्रोसो ऑक्सीन जो इसका बनेगा, नाइट्रो एसी नाइट्रो इनामीन एमाइड इमिडोल, इसमें यहां से ट्रांसफर, इसमें यहां से ट्रांसफर और इसमें यहां से, ठीक है। अब इसमें सर देखते हैं कौन सा है आंसर, यही है सर, यानी कि अल्फा। हाँ, और ये एक्टिव मिथाइल। हाँ बिल्कुल, यहाँ अल्फा इसके पास है नहीं सर, अल्फा इसका मतलब आंसर आपका ABC यानी कि ABC फर्स्ट आंसर आपका। तो बेटा यानी कि टोटोमेरिज्म के लिए यही ध्यान रखना है कि ठीक बगल में कार्बन पास हाइड्रोजन होना चाहिए, CO के ठीक बगल में कार्बन पास हाइड्रोजन, NO2 के ठीक बगल में कार्बन पास हाइड्रोजन जी सर, और इसमें है ही नहीं जी सर। तो जैसा सर ने कहा कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, इसलिए वो टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ठीक है जी सर। चलिए सर आगे जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, कौन सा इनॉल रूप से अधिक स्थायी है, अधिक अस्थायी है? तो आप सर थोड़ा सा, मैं चाहूंगा बच्चों को थोड़ा सा एरोमेटिक के बारे में थोड़ी सी बात जी सर। एरोमेटिक की अगर अपन बात करें तो जिसके पास 4N+2π इलेक्ट्रॉन परसेंट होते हैं वो क्या होता है, एरोमेटिक होता है। इसके लिए ये कंडीशन होना होती है कि साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, कंप्लीट क्लोज कॉन्फिगरेशन होना चाहिए। सर ने कहा साइक्लिक पहली कंडीशन, दूसरी प्लेनर होना चाहिए, तीसरा डीलोकलाइजेशन जी सर, और चौथा फॉलो हकल जी सर, ठीक है। पहली दूसरी तीसरी कंडीशन फॉलो हो, फोर्थ कंडीशन फॉलो नहीं होगी तो वो हो जाएगा एंटी एरोमेटिक जी सर, ठीक। अब अपने एंटी एरोमेटिक लेस स्टेबल होता है और जो एरोमेटिक है वो मोर स्टेबल, तो एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक एंटी। अब इसमें हम टॉटोमर बनाएंगे तो जो एंटी एरोमेटिक हो जाए वही क्या होगा, अनस्टेबल जी सर। बिल्कुल सर, बना के एक बार दिखाई, इसके पास अल्फा है, इसके पास क्या है अल्फा, इसका मतलब कोई सा भी एक अपन टोटोमर्स बना दें, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पे क्या आ जाएगा OH, ठीक है। डबल बॉन्ड इसका अगर अपन बनाएंगे तो ये वाला बना देते हैं सर, तो अपने क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या आ गया O और H, यहाँ डबल बॉन्ड इसका अगर अपन बनाएंगे तो क्या मिल जाएगा, एंटी एरोमेटिक मिल जाएगा। और एंटी एरोमेटिक जो सर ने कहा 4N+2 ये पाई इलेक्ट्रॉन है 4, तो 4N=2 N=1/2 ये अपना क्या मिल जाएगा सर, फिनोल। इसका मतलब हमें कहने का बात ये है कि अगर जो स्टेबल पूछता जी सर तो आंसर हमारा सबसे ज्यादा ये फोर्थ होगा जी सर, और अनस्टेबल पूछ रहा है तो आंसर क्या हो गया, थर्ड हो गया, ठीक जी सर। और कोई बात सर इसमें, बस सर ठीक है, वही है एरोमेटिसिटी, आपको याद रखनी है कि कौन सा एरोमेटिक है, कौन सा एंटी एरोमेटिक है और कौन सा नॉन एरोमेटिक। तो इसमें आंसर हो गया अपना थर्ड आंसर हो गया सर। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट बात करते हैं जी सर, एग्जांपल ऑफ जेम डाइहैलाइड जी सर, ठीक है। जेम डाइहैलाइड की अगर अपन बात करें तो एक ही कार्बन पर दो हैलोजन हो तो उसको अपन क्या यूज करेंगे, जेमिनल यूज करेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा अगर अपन बात कर लें, थोड़ा सा सर इसको साफ करिएगा, मान लो अपने को क्या दे रखी है बेटा जी, एल्केन दे रखी है, एल्केन में से अगर सिंगल हाइड्रोजन अपन रिमूव कर देते हैं तो क्या मिलता है अपने को, एल्काइल। और अगर अपन सेम कार्बन से टू हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं तो अपने को क्या मिलता है, एल्काइली डी, ठीक है सर। इसी को ही अपन क्या बोल देते हैं, जेमिनल बोला जाता है।
और अगर अपन नियर कार्बन से 1-1 हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो इसका मतलब क्या हो गया, एल्काइलीन, ठीक है सर, हो गया विस। और अगर अपन बात करें तो 3 हाइड्रोजन एक ही कार्बन एटम से क्या कर दें, रिमूव कर दें, तो क्या नेम हो जाएगा सर, एल्काइली डाइन, क्या हो जाएगा, एल्काइली डाइन। तो इसको तो अपन जैम बोलते हैं और इसको अपन क्या बोला जाता है, विस, विस का मतलब सर का ये, क्यों सर, जी सर, विस डाइहैलाइड। तो अपने से सर पूछा गया है, वो दे रखा है पेंटा। एक और बात सर, अगर अपने से यहां से सिंगल सिंगल हाइड्रोजन टर्मिनल एंड से रिमूव कर दें तो उसके लिए अपन क्या यूज करते हैं, पॉली, ठीक है, पॉली यानी कि 3, 4, 5 जितने भी कार्बन है उसके लिए अपन क्या यूज कर देंगे, ट्राई टेट्रा पेंटा ऐसा यूज करेंगे, और लास्ट में अपन क्या यूज कर देंगे, मेथाइलीन, ठीक है सर। जैसे सर के कहने का मतलब है कि मान लीजिए ऐसा आ गया कोई क्वेश्चन, CH2OH, CH2CH2OH, तो क्या हो जाएगा, ट्राई, जी सर, पॉली के लिए आपने ट्राई कहा और इसको मिथाइलीन, और ये हो गया ग्लाइकोल, जी सर, ठीक है। अब अपने को क्या दे रखा है सर, पेंटा मिथाइलीन क्लोराइड, इसका मतलब वही हो गया सर, टर्मिनल एंड से सिंगल सिंगल हाइड्रोजन को आपने क्या कर रखा है, फाइव कर रखा है, और यहाँ पे क्या है, सीएल, और इधर भी क्या है, सीएल, इसके लिए अपन 5 कार्बन आ रहा है तो पेंटा यूज करेंगे सर, है ना। यहाँ पे क्या दे रखा है, एथिलीन, तो एथिलीन की अगर अपन बात करें तो ये दे रखा है यहाँ सीएल और यहाँ पे सीएल। फिर आ गया प्रोपाइलीन, प्रोपाइलीन का मतलब भी यही हो गया सर, तो यहाँ पे सीएल और यहाँ पे सीएल। अब अपने को क्या दे रखा है, बेंजल, अब बेंजल की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा सर इसको साफ करिएगा, अपन बात कर लेते हैं, ये अपने क्या दे रखा है, टोलुइन दे रखा है, CH3। अब इसमें से क्या करें सर, सिंगल हाइड्रोजन को रिमूव कर दें तो अपने पास क्या आ जाएगा सर, बेंजाइल बोलते हैं इसको, और अगर अपने 2 हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं कहां से, इस अल्फा हाइड्रोजन से, तो क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे CH, इसके लिए अपन बेंजल यूज करते हैं, बेंजिल, बेंजल, और अगर 3 हाइड्रोजन हटा दें तो अपन क्या बोल देंगे, बेंजो, ये बोल देंगे अपन, बेंजो, तो बेंजिल, बेंजल, बेंजो। अब यहाँ क्या पूछा है, बेंजल पूछा है सर, तो यहाँ पे सीएल और यहाँ पे सीएल लगा देंगे, एक ही कार्बन पे 2 हाइड्रोजन हो गया, तो ये क्या हो गया, हम एल्किल समूह को चाहे जैसे चेंज करें, बस ख्याल इस बात का रहे कि कहीं फंक्शनल ग्रुप चेंज ना हो जाए, यही बात है सर, जी सर। तो यहाँ पे है एस्टर, जी सर, और हमने इसको इसको उठा के इधर किया, ये भी क्या आ गया, एस्टर ही है, होना कि ये एसिड हो गया, ये भी क्या है, एस्टर, तो एल्किल ग्रुप को ऐसा क्या होता है, मेटामर, और पॉलीफंक्शनल ग्रुप है ये, जी सर, तो कौन सा आंसर हो गया, यानी कि सर पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप से अटैच एल्काइल और एराइल पार्ट की नेचर डिफरेंट है, हां बस, और फंक्शनल ग्रुप में चेंज नहीं होना चाहिए, हाँ सर, वो कहते हैं ना सर, मेटामेरिज्म के साथ साथ पीआई या फिर सीआई हो सकती है, बट कंसीडर किसको करेंगे, मेटावर्स को करेंगे, अगर मेटावर्स ऑप्शन में नहीं है तो फिर उनकी तरफ जाना ही है अपने को, ठीक है बेटा, चले आगे, जी सर, नेक्स्ट सवाल, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जी सर, इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ी सी बात कर लें, जी सर, कार्बन पे यहाँ डिफरेंट ग्रुप हो, जी सर, या फिर यही चीज रिंग पे होनी चाहिए, डिफरेंट ग्रुप हो, जी सर, सिमिलर ग्रुप एक तरफ, सिस अपोजिट ट्रांस, जी सर, सर इसके बारे में देखिए, यहाँ पे है एच, जी सर, यहाँ पे है एच, डिफरेंट हो गया, जी सर, जीआई शो करेगा, यहाँ पे ये डिफरेंट है लेकिन यहाँ सेम आ गया, जी सर, तो ये जीआई शो नहीं करेगा, इसके बारे में देखिए आप, जी सर, यहाँ तो देख लो अपने क्या दे रखा है, ये डिफरेंट है सर, और यहाँ पे भी क्या है, डिफरेंट, इसका मतलब ये डबल बोन है वो जीआई शो करेगा सर, करेगा, और इधर भी डिफरेंट है तो ये भी शो करेगा, जी सर, अगर ये सेम होता सर तो इसका मतलब ये नहीं करता, यहाँ बी आर और एच होता इसका मतलब ये नहीं करेगा, और यहाँ पे अपने को दे दिया इसका मतलब ये ग्रुप क्या हो गया, इससे डिफरेंट हो गया, तो ये आंसर हमारा क्या हो गया, 1 and 2, जी सर, यानी कि सर ग्रुप भी डिफरेंट होने चाहिए और प्लेन में भी होने चाहिए, हाँ बिल्कुल, जी सर, नेक्स्ट नेक्स्ट, हाँ वही कॉन्सेप्ट फिर आ गया, जी सर, जिसे हम इसकी इस डबल बॉन्ड को देखूं, जी यहाँ CH2 और यहाँ क्या आ गया, ऑक्सीजन है सर, डिफरेंट हो गया, जी सर, यहाँ भी डिफरेंट हो गया, जी सर, तो ये GI शो करेगा, यहाँ सेम हो गए, जी सर, सेम हो गया, तो ये GI शो नहीं करेगा सर,
उसके बारे में? ये देखिए सर, ये यहाँ पे sp2 कार्बन है और यहाँ पे sp3 कार्बन है, इसका मतलब ये दोनों डिफरेंट है और ये दोनों भी क्या है, डिफरेंट है, इसका मतलब ये जीआई इशू करेगा सर। फोर्थ वाला और यहाँ पे अगर बात करें सर, ये डबल बॉन्ड जीआई इशू नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि ये दोनों तो एक जैसे हो गए, लेकिन यहाँ रिंग जीआई शो कर रही है। यहाँ पे क्या हो गया सर, H, और यहाँ पे भी क्या हो गया H, इसका मतलब इसके सिस और ट्रांस बना सकते हैं सर, बना सकते हैं बिल्कुल, इसका मतलब ये और ये जीआई शो करेगा। तो अपने से पूछा है कौन नहीं शो करेगा, तो आंसर हमारा क्या हो गया, थर्ड हो गया सर। इस पे ऐसा भी एग्जांपल हो सकता है ClH, जी सर ठीक है, इसके अराउंड ये शो नहीं कर रहा डबल बॉन्ड, नहीं कर रहा सर, H, लेकिन ये रिंग शो कर रही है सर, शो कर रही है, तो कहीं से भी जीआई शो कर जाए तो वो शो करेगा, जी सर। नेक्स्ट बात करें, जी सर, तो इसमें आंसर अपना थर्ड है, जी सर। इस पर हम पूरा एक जनरलाइज बात कर लेते हैं, फिर सर इस बारे में, सर इस बारे में बताएंगे। यहाँ पे ए है सेम है सर, हाँ सेम है, इधर हमने बीसी कर दिया, जी सर, यानी कि डिफरेंट कर दिया सर, और यहाँ पे ए बी सी, यहाँ सर हाँ ए लगाओ, क्या दो सेम कर रहे हैं अपन, अपने दो सेम कर रहे हैं, जी सर ठीक है, और ये तीनों डिफरेंट हो गया, हाँ सर। तो इसमें कितने बनेंगे सर, इसमें टू बन जाएगा, एक सिस और एक ट्रांस, सर मैं बना सकता हूँ, हाँ बिल्कुल, जी सर। कैसे बनाएंगे अपन यू बना सकते हैं कि तीनों के तीनों को डार्क लाइन से शो कर दिया, इसका मतलब सर क्या हो गया, तीनों के तीनों सिस पोजीशन पे हो गए। एक को अपन क्या कर सकते हैं सर, यानी कि सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, तो दो को आपने फ्रंट पे रख लिया या दो को आपने डैश डैश लाइन पे रख लिया, इसका मतलब क्या हो गया सर, एक सिस हो गया और एक क्या होगी, ट्रांस हो गई, तो दो आइसोमर बन जाएगी सर। इसके बनाइए, इसके अगर अपन बात करें सर, तो दो तो क्या है अपने पास सेम है, तो अपन क्या करेंगे, ए ए यानी कि सेम ग्रुप वालों को अपने क्या रख दिया, फ्रंट पे रखा, और बी को भी फ्रंट पे रख दिया, तो ये तो अपनी सिस होगी सर। अब अपन क्या कर सकते हैं सर, एक बार ए को बैक साइड में ले गए और इसको आपने क्या रखा, फ्रंट पे रखा, तो इसका मतलब ये बी है और ये क्या है, ए। अब ये ए तो दोनों सर सेम थे, तो इसका मतलब ए की इसका ट्रांस बन गया। और क्या कर सकते हैं सर, अपन दोनों ए को फ्रंट पे रख सकते हैं और बी को क्या करते हैं, बैक साइड में, यानी कि डैश डैश ले जाएं, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए ये भी क्या था सर, ए, तो थ्री आइसोमर बन जाएंगे इसके, इसी से सिमिलरली इसके कितने बन जाएंगे, फोर, चार बन जाएंगे सर। इसको अपने थोड़ा सा और बताएं इसको, तो ए ए ए, ए हाँ सर, ये सिस हो गया, ए ए ए, जी दो सर, बन गए, जी सर। इस काम करते तो ए ए और बी बी, जी सर, एक ए ए और एक ए बी बी, कितने बन गए, थ्री बन गए सर। इसका वही ये हो जाएगा सर, ए बी सी, ए बी और बी सी और ए सी, ये जो सर ने कहा उसका फाइनल निचोड़ है, जी सर। तो ध्यान रख के बेटा, अगर तीन की रिंग है, तीनों सेम है, तो है, दो आइसोमर बनेंगे, दो सेम एक डिफरेंट, थ्री, मतलब थ्री बन जाएंगे, तीनों डिफरेंट है सर, चार बन जाएंगे, जी सर ठीक है। नेक्स्ट चलें, इसी का आंसर सर अपना क्या हो गया, टू हो गया, टू हो गया, जी सर, सेम लगे ना सी। अब यहाँ पे आप हजारों क्वेश्चन FF लगा दीजिए, CH3CH3 लगा दीजिए, BR लगा दीजिए, कुछ भी कर लो, जी सर ठीक है। रिंग भी सर छोटी बड़ी कर सकते हैं, हाँ जी सर, छह की रिंग, अगर यही चीज ऐसे हो, कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, जी सर ये वाली S2, सर हाँ S2, इसको पहले एक जनरलाइज बात कर दें, A2N2, जी सर, या AB N2 है, जी सर, तो ये GI शो करेगा, जी सर, क्योंकि N जिसे S2N2 है, तो N डबल बॉन्ड N, H, जी सर, लोन पेयर होगा एक, सिनेंडी, जी सर ठीक, और यहाँ पे ये ऑक्सीम वाली बात है, यहाँ पे CCH5, CCH3, जी सर, डबल बॉन्ड N, और यहाँ पे OH और लोन डिफरेंट है, जी सर, पेयर है, इसमें भी सिनेंडी, तो ये शो करेगा, जी सर, तो और यहाँ पे बात करें सर, तो डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या आ जाएगा OH, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा OH, इसके पास भी लोन पेयर है और इसके पास भी क्या है, लोन पेयर है, सिन और N2, ठीक है, OH होल्ड ट्वाइस N2, मतलब A2N2 हो, AB N2, जी सर। और कोई एग्जांपल सर इसमें बता सकते हैं, जी सर बहुत सारे एग्जांपल भरे पड़े हैं सर, हाँ, जैसे तो CH3 होल्ड ट्वाइस N2 हो, जी सर, शो करेगा, जी सर करेगा, यानी कि अपन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3,
ये भी शो करेगा जी सर, CH3 C2H5। वही वाली बात होगी सर, एसिमेट्रिकल कार्बोनिल कंपाउंड है तो इसका मतलब वो हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन करके ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करेगा, वो जीआई शो करेगा करेगा। और कार्बन पे आप देख लो कि डिफरेंट है कि सेम, यानी कि फोर एल्डिहाइड की बात करें तो सर फोर एल्डिहाइड को छोड़कर बाकी के सारे जीआई शो करेंगे हाइड्रोक्सिल, और कीटोन एसिमेट्रिकल होना चाहिए। इसमें हम एक जर्नलाइज तो सर इसको आप बताना, ये सर हाँ, क्या है कि दोनों के दोनों ग्रुप सर सेम होने चाहिए, तो इसमें सेम है इसका मतलब क्या है वो जीआई शो नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि जीआई की कंडीशन होती है कि सिंगल कार्बन से अटैच दोनों ग्रुप क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। ये तो सेम आगे सर एक्स और एक्स, और ये सेम प्लेन की बात होती है कि सेम प्लेन में भी होना चाहिए, तो इसका मतलब अपने ये डिफरेंट प्लेन में अपन कैसे देख सकते हैं, एस डी एस करके देख सकते हैं सर, एस का मतलब सेम प्लेन, डी का मतलब डिफरेंट प्लेन, तो कितनी भी लॉन्गेस्ट चेन दी हुई इसका मतलब एस डी एस करके देख सकते हैं अपन भी, ये सेम प्लेन में, अगर इधर भी एस और इधर भी एस आया तो वो सेम प्लेन में मिलेगा। सर का एक सीधा बात कहने का मतलब ये है जी सर, अगर यहां पे ए बी लगा, हाँ सर ए बी लगा और ये डबल बॉन्ड आपका इवन में हो जी सर, आप कह रहे हैं, और यहां पे डबल बॉन्ड या रिंग ऑड नंबर में जी सर, तो ये तो ऑप्टिकल शो करेगा जी सर, ठीक है इवन नंबर, और ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा जी सर, लेकिन यहां अपनों से ये नहीं, हाँ ज्योमेट्रिकल के लिए क्या होना चाहिए, प्लेन, प्लेन में होना तो चाहिए। आप ये ध्यान रखना कि एक डबल बॉन्ड है तो प्लेन में है, प्लेन में है, तीन डबल बॉन्ड है क्योंकि ये तो सिंपल, हाँ जी सर सिंपल, ये प्लेन, दूसरा डबल बॉन्ड आया परपेंडिकुलर, तीसरा फिर प्लेन जी सर, तो तीन आ जाए, पांच आ जाए, सात आ जाए, तो ये प्लेन में हो गया जी सर। तो प्लेन में जब होगा तो L1 L2 की लेंथ सर क्या होगी, डिफरेंट होगी, डिफरेंट होगी, L2 ग्रेटर देन जी सर, अगर प्लेन में है जी सर, लेकिन ये क्या है परपेंडिकुलर। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि एंड के एटम क्या है, प्लेन में है कि परपेंडिकुलर, तो क्या आंसर, परपेंडिकुलर जी सर, बिल्कुल। तो जब परपेंडिकुलर है तो यहां L1 L2 की लेंथ क्या होगी जी सर, इक्वल होगी, इक्वल होगी। और ऐसे आप कितने क्वेश्चन बना सकते हैं, दो के हैं, चार के डबल बॉन्ड लगातार ले लें, छह लगे लें, आठ ले लें, दस ले लें, कैसे भी ले लें, या दो रिंग भी ले सकते हैं। हाँ सर, रिंग का कोई एग्जांपल बताइए, रिंग का सर ये एग्जांपल मान लो आपने यहाँ पे दे दिया सीएल और यहाँ पे भी दे दिया सीएल, तो अपन देख सकते हैं सर डायरेक्ट एस डी एस करके भी देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है एस डी एस और डी, इसका मतलब ये डिफरेंट प्लेन हो गया, ये जीआई शो नहीं करेगा, टू रिंग है तो इसका मतलब सर वो जीआई शो नहीं करेगा, बिल्कुल। अगर थ्री रिंग आ जाती तो वो जीआई शो कर जाता जी सर, यानी कि अगर अपने थ्री रिंग बना दें तो वो जीआई शो कर देगी सर, यहाँ पे क्या लगा दिया डीआर, यहाँ पे भी क्या लगा दिया सीएल, तो इसका मतलब एस डी एस डी और एस, इसका मतलब सेम प्लेन में भी हो गया सर, यहाँ सेम मतलब मान लो यहाँ पे वीआर लगा दिया तो ये जीआई शो नहीं करता सर, क्यों? क्योंकि कार्बन से अटैच ग्रुप भी क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। एक फाइनल बात अपने कर लें सीधा जी सर, कि अगर जो लगातार डबल बॉन्ड या रिंग या रिंग प्लस डबल बॉन्ड इवन में हो और दोनों तरफ ए बी लगे हो डिफरेंट, तो वो ओ आई ऑप्टिकल आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर, और वही चीज ऑड में हो तो क्या होगा जी आई, जी आई शो करेगा, जी आई वाले में एल टू ग्रेटर देन एल वन जो प्लेन में हो गया, और जो परपेंडिकुलर है उसमें एल वन इक्वल टू एल टू, सीधी बात है जी सर। तो इसमें सर क्या होगा आंसर, आंसर अपना फर्स आ गया सर, क्योंकि ग्रुप सेम थे, हाँ इवन नंबर में था डबल बॉन्ड और ग्रुप सेम, इसमें अपने ओ आई जी आई नहीं है इसमें, क्योंकि ये सेम आ गया। हाँ यहीं पे कुछ ऐसे होता सी एल एच सी एल एच तो ओ आई हो, ओ आई शो करता सर, ठीक है जी सर। तो नेक्स्ट पे बात करें जी सर, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया सवाल था सर, ऐसे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। फिर वही बात, इसमें एक सिंपल सा वैसे कॉन्सेप्ट आईटी में आया क्वेश्चन है, डबल बॉन्ड कराउंड सेम नंबर सेम ग्रुप लगे हो तो वो जीआई शो नहीं करेगा, और अगर किसी भी कंपाउंड में एक कायरल कार्बन है तो वो ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। तो यहाँ देखिए एक कायरल कार्बन जी सर, इसी टाइप के सर जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप बच्चों को थोड़ा बताइए, इसमें सी एच थ्री सी एच है, डबल बॉन्ड सी है एच है जी सर, यहाँ सी एच ओ एच सी ओ एच कर दिया, तो क्या ये जी आई है कि ओ आई है सर, ये जी आई और ओ आई दोनों शो कर रहा है, क्यों? क्योंकि ये ग्रुप डिफरेंट हो गया और ये ग्रुप भी डिफरेंट है, तो इसका मतलब ये डबल बॉन्ड सीसो ट्रांस बना देगा सर, और ये कायरल कार्बन है इसका मतलब ये डी और एल शो करेगा सर, तो इसका मतलब ओ आई और जी आई दोनों शो करेगा सर। अब अगर सर हम इसको यहाँ पे हम ओ एच कर दिए, अब
तो सर ये अकेला जीआई शो कर रहा है, क्यों? क्योंकि उसमें कार्बन नहीं है सर। बेटा देखो आपको क्वेश्चन पहुंचाया जा रहा है कैसे, ये सिंपल सेम था यहाँ पे तो जीआई नहीं था, एक कायरल था तो ऑप्टिकल। जी सर, यहाँ पे ये डिफरेंट हो गया, यहाँ कायरल नहीं हुआ तो जीआई जीआई शो करेगा सर, और हमने यहाँ सीओएच जब कर दिया तो जीआई ओआई दोनों शो करेगा। एक क्वेश्चन के साथ तीन क्वेश्चन, आप जी सर इसको समझ गए? जी सर, अपने यहाँ पे पूछा गया था ये स्ट्रक्चर क्या शो कर रही है सर, ये ओनली ऑन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, यहाँ सेम ग्रुप लग गया तो जीआई नहीं करा, ये कायरल आ गया। कायरल जानते हो बेटा, कायरल सर थोड़ा बताइए। कायरल कार्बन यानी कि एक कार्बन से अटैच आल ग्रुप क्या होने चाहिए, यानी कि फोर के फोर ग्रुप क्या होने चाहिए, डिफरेंट। ठीक है सर, तो यहाँ पे कुछ भी लगा दिया मैंने, ए बी सी डी ई एफ कुछ भी है ना, फोर के फोर ग्रुप क्या होने चाहिए सर, डिफरेंट होने चाहिए, तब उसको अपन क्या बोलेंगे, कायरल बोलेंगे। एक मैं चाहूंगा बच्चों को सर ये बताए, क्यों कायरल कार्बन और भी कोई ग्रुप एटम कायरल हो सकता है? जी सर, विदाउट कायरल कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हो सकते हैं, जैसे सर अपने पीछे वाले एग्जांपल में अपने बात की थी, यानी कि अगर अपने को क्या दे दिया, यही कुछ ऐसा दे दिया, यानी कि अपन क्या दे रखे हैं, हमें चाहे से नाइट्रोजन फास्फोरस सल्फर वाले भी हो सकते हैं। हाँ सर बिल्कुल, अगर अपन नाइट्रोजन की बात करें सर, तो नाइट्रोजन में यहाँ पे अगर अपन ए बी और सी, तो यहाँ पे लोन पेयर है सर, लेकिन अपन इसको कायरल नहीं बोलेंगे सर, क्योंकि ड्यू टू फ्लिपिंग, ये फ्लिपिंग शो कर ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होगा। हाँ सर, कहने का मतलब आपका ये है कि ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होगा सर। तो चलें आगे। जी सर, फिर बेहतरीन क्वेश्चन, टॉटोमेरिज्म, कौन टॉटोमेरिज्म शो करेगा? जी सर, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था पहले क्वेश्चन से ही कि सीओ के ठीक बगल में कार्बन के पास हाइड्रोजन। जी सर, तो यहाँ पे ये हो गया, लेकिन यहाँ पैरा टॉटोमर, जी सर, यहाँ सीओ के बगल में कार्बन पास एच है, लेकिन ये एच नहीं निकाल सकते क्योंकि ये रेजोनेंस में है, लेकिन कौन सा एच जाएगा, sp3h, क्या बन जाएगा सर इसमें, फिनोल, फिनोल बन जाएगा सर। ठीक है, हाँ, ब्रेट रूल, ब्रेट रूल, ब्रिज कार्बन, ब्रिज हेड कार्बन पे ना तो प्लस चार्ज आ सकता है ना ही डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, क्योंकि ब्रेट रूल का ये वायलेशन कर देगा, अगर हम यहां से एच है, यहां पे एच, अगर एच ट्रांसफर करते हैं तो यहां क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, जो कि ब्रेट रूल को फेल करेगा, इस वजह से यहां से एच नहीं निकाल सकते। ये वाली वही बात होगी सर कि अगर ब्रिज के ऊपर अगर डबल बॉन्ड आ जाता है तो फिर ब्रिज ब्रिज नहीं रहेगा, प्लेनर हो गया, प्लेनर हो गया, प्लस चार्ज आ गया तो भी प्लेनर हो गया, इसलिए हाँ यहां से नहीं निकाल सकते, लेकिन यहां से निकाल सकते हैं सर, यहां से अगर अपन ये यहां पे और ये यहां पे, यहां एच आ जाएगा, तो अपना आंसर कौन सा होगा सर, टोटोमेरिज्म कौन शो कर रहा है सर, एक ये कर रहा है, ये भी कर रहा है और ये भी कर रहा है, तो ए बी और डी अपना आंसर हो गया सर, ए बी और डी आंसर हो गया सर। ठीक है, तो ब्रिज हेड एटम पर प्रेजेंट अ हाइड्रोजन डज नॉट पार्टिसिपेट इन टोटोमेरिज्म, दो जगह अपने देखिए, दो जगह निकाल नहीं सकते, मान लो बेटा ये हो ऐसे, एक चीज और इन्फॉर्मेशन दे दें बच्चों को, जी सर, दो चीज यहां पे आप लिख लो, एक ये है, ये दो चीज लिखी है अपनों ने, जी सर, ये तो यहां लिखा हुआ है, जी सर, यहां सीओ के, कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सीओ के बगल में कार्बन पास हाइड्रोजन है तो एच का ट्रांसफर होगा, यहां एच है, बिल्कुल है, लेकिन ये रेजोनेंस में है, जी सर, क्यों सर, तो इसको हम निकाल नहीं सकते, मतलब ये टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा, और यहां नहीं निकाल सकते क्योंकि ये ब्रेट रूल को लागू नहीं होने देगा, मतलब डबल बॉन्ड आ जाएगा, प्लेनरी स्ट्रक्चर हो जाएगी, ब्रेट ने इसको मना किया था, जी सर, तो चले आगे, सीख लिए, सीखना है बच्चे, अपना मेन मूल मकसद क्वेश्चन करना नहीं है, आप एक दो चीजें इसमें सीखो, और इसीलिए हम लोग इर्द गिर्द की बातें कर रहे हैं कि थोड़ा सा और आगे, जैसे ये बातें हमने यहाँ पे इसलिए छेड़ी कि आप इसको भी ध्यान रखो कि एच होने के बावजूद कहाँ नहीं निकाल सकते, रेजोनेंस में हो तो और ब्रेट रूल हो, जी सर, सही है, जी सर, तो नेक्स्ट, जी सर, ये वही सर जीआई का सवाल आ गया, इसमें सर एक ये हम आज से डिस्कस कर रहे हैं, जी सर, मान लीजिए ये है, जी सर, तो क्या ये जीआई शो करेगा, नहीं कर सकता सर, तो जीआई के लिए मिनिमम सर कितने कार्बन होने चाहिए, 8 मेंबर्ड साइक्लिक का एल्कीन होनी चाहिए, मतलब कहने का सर का ये है कि 3 की रिंग हो, 4 5 6 7 की रिंग हो, डबल बॉन्ड के अराउंड जीआई शो नहीं करेगा सर, रिंग के अराउंड करेगा, जैसे हम बात करें ये नहीं शो करेगा, लेकिन ये इधर ऐसे कर दे, हाँ सर करेगा सर, क्यों, क्योंकि अपने यहाँ पे दोनों ग्रुप क्या हो गए सर, डिफरेंट हो गए, इसका मतलब ये जीआई शो करती है ड्यू टू रिंग, बट डबल बॉन्ड के अराउंड नहीं करेगी सर, और टोटल पूछा जाए तो करेगी, जी सर, यानी कि कोई घर में कमाने वाला होना चाहिए सर, तो इसका मतलब कोई ना कोई तो कमा रहा है सर, मतलब 3 4 5 6 7 रिंग में डबल बॉन्ड के अराउंड जीआई शो नहीं करेगा, जैसे ये है, नहीं करेगा, नहीं करेगा सर, ये दे दिया तो सर ड्यू टू रिंग जीआई शो करेगा, ऐसा यहाँ बात हुई है, ये नहीं करेगा सर, ये करेगा, क्यों, इसके अराउंड,
जी सर, ये नहीं कर सकता सर, वो ये नहीं कर सकता सर। तो थ्री किरिंग मान लीजिए ऐसे भी हो, नहीं सर, नहीं कर सकता सर। ऐसे है, नहीं कर सकता सर। 3, 4, 5, 6, 7 ध्यान रखो बेटा, ठीक है, ठीक है सर। और अगर अपन बात करें कि कोई बच्चे पूछ लेते हैं क्यों नहीं करती सर, क्योंकि उसकी ट्रांसपोजिशन जो होती है मोर बोन एंगल स्ट्रेन के कारण लिस्टेबल हो जाती है। सिस्ट तो हो सकती है, सिस्ट तो बना सकते हो, सिस्ट तो लेकिन जैसे आप ट्रांस बनाओगे रिंग टूटने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। अपने किसी को तोड़ना नहीं है, उसकी एग्जिस्टेंस के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते आप। जी सर, यही बात है सर। जी सर, यानी कि जीआई कौन शो कर रहा था सर, ये कर रहा है इसके कारण, ठीक है सर, यानी कि ये नहीं कर रहा था। अपना आंसर सेकंड हो गया सर। सेकंड जी सर, नेक्स्ट चलें। जी सर, ये सर होमोलोगस का सवाल। अब तो एक सर एक चीज बच्चों को ले बताइए, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन क्या है? ये सर एफजीआई है, आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं, मतलब NH2 है तो 1 डिग्री, 1 डिग्री NH है तो 2 डिग्री, N है तो 3 डिग्री। ये कहने का मतलब सर का ये 1 डिग्री हो गया सर। हाँ, ये 2 डिग्री हो गया। अब होमोलोगस, एक थोड़ी सी बात। जी सर, होमोलोगस अगर नॉर्मली बात करें हम, जी सर, होमोलोगस मतलब होता है सम जात, हिंदी में। जी सर, सीधे आपको फीलिंग आएगी समान जाति के लोग। हाँ सर, जैसे कहा जाए रमेश चौधरी, महेश चौधरी, सुरेश चौधरी, अमित मीना, कौन सम जाति नहीं है? अमित मीना। जी सर, तो इस लेवल में बात, और इसके लिए सक्सेसिव डिफरेंस कितने का? CH2 का। जी सर, लेकिन मेन कंडीशन क्या है? फंक्शनल ग्रुप सेम है। जी सर, सबने लाइन बोली कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है। जी सर, तो एमीन के केस में अगर होमोलोगस है तो एक में 1 डिग्री फिर दूसरा भी 1 डिग्री होना चाहिए। एक 1 डिग्री दूसरा 2 डिग्री नहीं होना, नहीं होना चाहिए। ये कहने का मतलब आप फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया, एक 2 डिग्री एक 3 डिग्री नहीं होना चाहिए, दोनों 2 डिग्री है। तो इसमें आप बताइए सर, ये 1 डिग्री है अपना और ये 2 डिग्री है, इसका मतलब ये होमोलोगस नहीं हो सकता। ये 1 डिग्री है और ये भी 2 डिग्री हो गया, इसका मतलब ये भी होमोलोगस नहीं हो सकता। ये देखो सर, 1 डिग्री है और ये भी 1 डिग्री है, इसका मतलब ये आंसर होगा अपना होमोलोगस। ये 2 डिग्री है सर और ये 3 डिग्री है, इसका मतलब ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हो गए। तो इसका मतलब आइसोमर कब होंगे? जब अपने मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो जाएगा। मतलब एक आपने इस क्वेश्चन को डालने के पीछे एक और मकसद आपने किया है कि कोई बच्चा ये सोचता है कि CH2 का डिफ, एक सक्सेसिव CH2 का डिफ। जी सर, मान लीजिए ये है और CH3 CH2 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 NH2। जी सर, ये दोनों होमोलोगस होंगे। अगर अपन बात करें तो ये भी 1 डिग्री है और ये भी क्या है? 1 डिग्री है, तो इसका मतलब फंक्शनल ग्रुप है, सेम है, सेम है, तो होमोलोगस है। हाँ, जो आपने बात करी इसमें एक CH2 का डिफरेंस नहीं है, कितने CH2 का है? 3 CH2 हो गया सर। मतलब 1 CH2, 2 CH2, 3 CH2, 4 CH2, सक्सेसिव CH2 का डिफरेंस हो तो वो होमोलोगस है। कहने वाले वही बात होगी सर कि सारे के सारे अगर एक ही जाति के लोग हैं, इसका मतलब वो होमोलोगस है। एक ही परिवार के जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे होमोलोगस। हाँ, जनरल फॉर्मूला सेम है। जी सर, और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। जी, केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाएगी। सेम होगी, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाएगी, यानी कि कोई छोटा होगा कोई बड़ा होगा, तो इसका मतलब उसका BPMP चेंज हो जाएगा, बोलने का लहजा भी चेंज हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल। तो ये सर फिजिकल प्रॉपर्टीज तो है। हाँ, नेक्स्ट सर, नेक्स्ट। हाँ, बहुत हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर फिर नॉर्मली होता है तो अपने उसमें फॉर्मूला लगा देते हैं। अनसिमेट्रिकल है 2 की पावर n, सिमेट्रिकल है 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n/2-1, और ये इवन नंबर ऑड नंबर डबल बॉन्ड को लेकर, ठीक है, तो उसमें एक और फॉर्मूला लगा दे। इसमें फॉर्मूला नहीं लगा सकते आप। जी सर, तो इसको सर एक बार बना के दिखाइए। जी सर, यानी कि अपने यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड n और यहाँ पे क्या दे रखा है H, इसके पास क्या है सर? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे भी अगर अपन बात करें तो अपने क्या लगा दिया सर? डबल बॉन्ड n, और यहाँ पे अपने क्या लगा रखा है सर? H, और यहाँ पे भी क्या है? लोन पेयर। अगर अपन इनको दोनों को क्या बना देंगे सर, यहाँ पे भी अपने क्या लगा दिया सर? N लगा रहे हैं, H। अब देखें सर गौर से इसको, अब अगर सिन और एंटी से देख सकते हैं सर। हाँ बिल्कुल, तो पहले तो ये इस राउंड सो नहीं करेगा। जी सर, ये कहने का। हाँ सर, और एक बार इसको सिन बना लिया आपने। जी सर, यही कह रहा। अब देखिए सर, अब सिन ही बनाया सर अपने, ये सिन बनाया है और ये एंटी बना दिया, एंटी बना दिया। तो इसका मतलब ये डबल बॉन्ड जो है वो जीआई शो करेगा। अब शो करके दोनों सिन होंगे तब उस समय ये नहीं करेगा, दोनों ये एंटी हो जाए उस समय ये डबल बॉन्ड नहीं करेगा, लेकिन आज इन्होंने बनाया सिन और इसको कर दिया एंटी, फिर ये डबल बॉन्ड के कार्बन डिफरेंट हो गए तो ये जीआई शो कर गया। आगे सर इसके बारे में। सर एक तो ये हो गया अपना, फिर दूसरा अगर अपन बात करें तो दोनों सिन सिन बना देंगे। हाँ, दोनों सिन सिन बना देंगे तो ये डबल बॉन्ड जीआई शो करेगा नहीं? हाँ, करेगा नहीं, लेकिन ये सिन सिन तो हो गए सर, ये तो जीआई शो कर रहा है। फिर अपन इन दोनों को क्या बना देते हैं? एंटी बना देते हैं।
और दोनों को एंटी बना देंगे तो ये भी डबल बॉन्ड जो रिएक्शन नहीं करेगा, इसका मतलब कितने हो गए सर, 1 1 1 यानी कि 3 हो गया इस समय। ठीक जी सर, अच्छा क्वेश्चन था जी सर। हां इस पर तो हम बात कर ही चुके जी सर, अपन कर लिया था एबीसी कर लिया था, ए बी बी कर लिया था जी सर, तो तीनों डिफरेंट हैं तो कितने हो जाएंगे, 4 आइसोमर हो जाएंगे सर। ठीक है तो आंसर अपना 4 हो जाएगा सर। इससे बात हो चुकी है बेटा, ठीक है नेक्स्ट सवाल। हाँ ये सर इस पर भी अपने बात कर चुके हैं। हाँ, कर चुके अपन डायरेक्ट देख सकते हैं सर। हाँ, इवन वही बात है, इवन रिंग लगातार है तो ऑप्टिकल, ऑड है तो ज्योमेट्रिकल। ज्योमेट्रिकल तो इसमें ज्योमेट्रिकल ही पूछा है, ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा लेकिन पूरा स्टीरियो सेंटर एक है जी सर। ठीक है जी सर, तो सिस और ट्रांस वाली बात सर, सिस और ट्रांस हो जाएंगे, इसका मतलब वाइस ओवर हो गए सर। ठीक चलें आगे जी सर। ऐसे इसके भी कितने, 2 सिस और ट्रांस बन जाएंगे सर, 3 5 बना दिया जी सर। CLH इसके भी कितने होंगे, 2 ही होंगे सर, एक सीस बनेगा और एक ट्रांस बनेगा सर, लंबी जितना मर्जी हो जाओ सर। हाँ, 3 की मतलब सीधी सीधी बात अपने ध्यान रखें, 3 की हो, 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, 11 हो, 101 हो, कितने भी हो सर। हाँ, कितने भी हो यानी और सकते हो कंपाउंड एग्जिस्ट न करे कि ना करे नहीं, लेकिन अपने क्वेश्चन करने हैं उस हिसाब से बात हो रही जी सर। नेक्स्ट करें जी सर। हाँ इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं सर। सर हाँ जी सर, CHO हो या COH हो या CN हो, तो जी सर कई बच्चे कहते हैं कि सर 1 2 3 4 5 और इसको 1 2 3 4 ऐसा कर देते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। यहाँ पे नंबरिंग हमने 1 2 3 4 5 जी सर, इसकी भी नंबरिंग 1 यानी कि वही अपने पिछले एपिसोड में बात की थी कि यानी कि सबसे पहले मेन फंक्शन ग्रुप से नंबरिंग स्टार्ट करनी है, फिर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को और फिर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप देखना सर। तो मेन फंक्शन ग्रुप यहाँ पे LDH है, यहाँ से कहानी स्टार्ट कर दी यानी कि 1 नंबर। और चेन आइसोमर के लिए रूट चेन क्या होना चाहिए, डिफरेंट जी सर, नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट इन मेन चेन और साइड चेन। साइड चेन तो यहाँ पे क्वेश्चन और भी बन सकते हैं जी सर, CHO की जगह पे हम COH कर दें। हाँ सर, CN कर दें, COCl कर दें, CONH2 कर दें, बनाओ कितने क्वेश्चन फंक्शन ग्रुप में कार्बन, मतलब ये क्या हो जाएगा आंसर सर। सर यानी कि नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट हो गया सर मेन चेन में, इसमें 5 कार्बन थे इसमें 4, इसका मतलब चेन आइसोमर हो गया सर। बिल्कुल ठीक है जी सर। नेक्स्ट चलें जी सर, भौतिक क्रिया अपन से चले सर, वही DU इक्वल टू नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग प्लस 2 इनटू नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। तो ये आपकी बेंजीन है जी सर, तो कितने डबल बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड है, 1 रिंग है सर, 4 आंसर आ गया अपना, मतलब ये सही है अपना जी सर। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड लैब कौन सा होता है सर, वो तो सर कुछ और ही था, यूरिया था ना सर, या मीथेन है तो, यानी कि मार्स गैस जिसको हिंदी में सर बात करें तो गोबर गैस। हाँ, तो इसका मतलब ये नहीं था सर, है ना, मुलर ने जो बनाया था सर, बर्थलोट वगैरह। हाँ सर ठीक है, और ये अनसैचुरेशन की बात की है, अनसैचुरेशन का मतलब सर जिसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो मल्टीपल बॉन्ड परसेंट हो, तो इसमें सर ट्रिपल बॉन्ड है, इसका मतलब अनसैचुरेशन हो गया सर, मतलब आंसर अपना ए और सी, ए और सी दोनों आ जाएंगे सर, ए और सी आंसर आ जाएगा सर। ठीक है जी सर, चले आगे जी सर। टॉटोमर ऐसी बात का सवाल आ गया, हाँ, एक पैरा टॉटोमर फिर है यहाँ पे, इसके एक दो एग्जांपल जैसे ये तो सीओ के ठीक बगल में कार्बन पास हाइड्रोजन है, नहीं शो करेगा, नहीं शो करेगा सर। यहाँ फिर एच पैरा टॉटोमर जी सर, यहाँ का ये भी ध्यान रखना कि अगर इस टाइप की भी सिचुएशन है क्यों सर, तो यहाँ से एच ट्रांसफर हो जाएगा जी सर, हो जाएगा यही हो जाएगा, हो जाएगा सर, मतलब समझ गए बेटा, पैरा पोजीशन पे एच हो, एच होना चाहिए सर, मान लो बेटा ऐसे भी हो जी सर, हो जाएगा सर, हो जाएगा, ये तो और ही अच्छा हो गया सर, दोनों रिंग एरोमेटिक हो गई। हाँ, तो एक तो ये कर गया जी सर, ये सर करेगा सर, करेगा सर, इसके पास एच है सर, ये वाली बात, इसके पास इधर वाले के पास एच है, इसके पास एच नहीं है तो करेगा, ये भी करेगा सर, ये इधर और ये इधर, मतलब आंसर अपना बी सी डी जी सर। ठीक है, बी सी डी सर, थर्ड आंसर। ठीक है बेटा, पैरा टॉटोमर एक बार पिछले क्वेश्चन में भी आया था, फिर यहाँ बात बता दी गई जी, ये वाली चीज ध्यान रखना, कहने का मतलब ये क्वेश्चन वही हो गया सर कि sp3h होना चाहिए, हाँ वो भी अल्फा है ना सर। ठीक ठीक बिल्कुल जी सर, जी सर। नेक्स्ट देखें सर,
ये भी कॉन्सेप्ट जीआई का है, वही C3 to C7 डबल बॉन्ड अराउंड जीआई, सो नहीं करेगा, रिंग अराउंड करेगा। जी सर, तो यहां से कर गया। जी सर, ये एक कार्बन पर सेम ग्रुप है इसलिए ये नहीं करेगा। नहीं करेगा सर, इसके बारे में मतलब यहाँ पे एच है और यहाँ पे भी एच है, ये दोनों ग्रुप डिफरेंट हो गए, तो ये जीआई शो करेगा, डबल बॉन्ड जीआई शो नहीं करेगा। आपने बात कर ली सर, मतलब ओवरऑल करेगा। हाँ सर, इसका मतलब ये भी रिंग नहीं करेगी, तो रिंग के लिए यानी कि मतलब आंसर अपना हो गया ए सी। जी सर, ये तो है। जी सर, ए सी कहां पे है? ये रहा सर। ठीक जी सर, नेक्स्ट करें। जी सर, ये टोटोमेरिज्म की बात फिर वही सिंपल सी कहानी है और पीएमटी में इस लेवल पे बात होती है सर। यानी कि आज अपन जो बात कर रहे हैं ज्यादातर आइसोमेरिज्म में फर्स्ट एपिसोड की, तो सेकंड और आएगा उसमें अपन ओआई की बात करेंगे। तो इसमें अपन मोस्टली क्या आते हैं, या तो टोटोमेरिज्म के सवाल आते हैं या फिर जीआई के आते हैं। स्ट्रक्चर कभी कभी पूछ लेता है, लेकिन मेन टॉटोमर और जीआई ही है। जी सर, कई बार तो आइसोमर के ऐसे होते हैं कि तीन तीन चार चार क्वेश्चन आ चुके। जी सर, कई बार नहीं भी आते हैं, एक बार ऐसा हुआ कि आइसोमर के एक भी क्वेश्चन नहीं आया। जी सर, लेकिन एक टॉपिक क्योंकि आगे हर चीज से कनेक्ट रहेगा, टॉटोमर तो हमें लगता है लास्ट चैप्टर तक जाता है। जी सर, हम कहीं भी हम लोग रिएक्शन करते हैं, खुसरो रिएक्शन की बात कर लो, हाइड्रोबोरेस ऑक्सीजन, टॉटोमर करते ही रहते हैं। ठीक है, तो इसमें सर सीओ के ठीक बगल में कार्बन पास हाइड्रोजन नहीं है सर, इसका मतलब ये टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। है तो ये कर गया, ये इसमें नहीं है सर। यानी कि कार्बन कार्बन है तो इसका मतलब ये जीआई शो नहीं करेगा, तो ओनली ऑन थर्ड ही करेगा सर। ये तो दोनों तरफ से कर सकता है। जी सर, दोनों तरफ से कर सकता है। नेक्स्ट बात जीआई की बात हो रही है, फॉर्मूले वाली बात आ गई। जी सर, अनसिमेट्रिकल है कंपाउंड। जी सर, फॉर्मूला लिखिए सर, 2 की पावर n, बिल्कुल सही, n इक्वल टू कितना है 3 है सर, 2 की पावर 3, यानी कि ये तीनों के तीनों डबल बॉन्ड सर जीआई शो कर रहे हैं। हाँ, तो अगर अपने कुछ ऐसा बना देते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड होता, हाँ, ये नहीं करेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड होता और यहाँ पे डबल बॉन्ड होता, बेहतरीन क्वेश्चन, ये तो नहीं लेंगे अपने। जी सर, एक ये अपने ये ले लिया और एक अपने ये ले लिया, यानी कि डबल बॉन्ड यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी, एक कार्बन पे सेम ग्रुप लगा हो तो वो जीआई शो नहीं करेगा, ये नहीं करेगा। जी सर, ये नहीं करेगा। अब इसके बारे में बताइए सर, ये अकेला कर रहा है, इसका मतलब सीसो ट्रांसलोइड बनाएगा। ठीक, और यही वही बात आ गई सर, ये डबल बॉन्ड तो जीआई शो करेगा नहीं, ये अकेला कर रहा है, इसका मतलब सीसो ट्रांसलोइड बनेंगे सर, n2 की पावर n कर दो। ठीक है, चले बात। जी सर, हाँ, अब इसमें कौन ज्योमेट्री, पहले तो आपको इसका फॉर्मूला आना चाहिए। जी सर, मैलेइक एसिड। जी सर, मिल गया तो मैलेइक। जी सर, फिर गया तो फ्यूमेरिक, फ्यूमेरिक एसिड। ठीक है जी सर, तो यहाँ पे H, जी H, सर, सिरेमिक एसिड C6H5। जी सर, CH डबल बॉन्ड CH CO CHOH। मैलेइक एसिड का फॉर्मूला लिखिए। जी सर, COOH, यहाँ पे अपने CHOH और CH2CO। सर, ये एप्पल में पाया जाता है सर। हाँ, और एक बात और देखिए, इसमें बहुत खास चीज है, M से 3 है, मैलेइक ये हो गया। जी सर, मैलिक ये हो गया, सबने बताया, और एक मैलोनिक एसिड, मैलोनिक का भी, मैलोनिक एसिड की अगर अपन बात करें सर, तो वो ओम्स गैप वाली बात होगी, बात आ जाती है सर। ठीक है, CWH। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन दी गई कि ये भी आप ध्यान रखना, क्योंकि एक बार ये पीएमटी में आया हुआ क्वेश्चन, मैलेइक एसिड डबल बॉन्ड के अराउंड डिफरेंट है, जी सर, शो कर गया, जीआई शो करेगा सर। सिरेमिक एसिड देखो, जी सर, है ना, डबल बॉन्ड है, तो इसका मतलब जी ये मैलेइक एसिड सर, इसमें कायरल कार्बन है, ये ओआई शो कर सकता है, ऑप्टिकल में इसकी बात कर सकते हैं, और ये तो ना ऑप्टिकल ना ज्योमेट्री है सर, ये तो आंसर अपना हो गया ए ए और बी हो गया सर, ए और बी अपना फोर्थ आंसर हो गया सर। तो इसमें हम लोगों ने कोशिश की आपको कि जो एक चीज बची थी, हाँ, मैलोनिक, वही बताने की, तो मैलेइक, मैलिक, मैलोनिक, ये तीनों के स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखने हैं बीइंग पीएमटी स्टूडेंट। ठीक है सर, अपन बहुत बार बता चुके हैं ओम्स गैप, हाँ हाँ, पिछली बार भी अपनों ने इसको किया था, ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है सर, है ना, इसमें 2 कार्बन होंगे, इसमें 3 कार्बन 4 कार्बन 5 6 और 7 कार्बन, 2 COH के बीच में सर, करने का मतलब 2 COH के बीच में, जी सर, 0 कार्बन 1 2 3 4 पीमेलिक में 5। जी सर, ठीक, डीएल नॉर्मली बात कर लें। जी सर, करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन हो। जी सर, OH NH2 राइट साइड में हो, करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन, ये मेन कंडीशन है सर, कई बार बच्चे गलत कर देते हैं। हाँ सर, करेक्ट फिशर पोजीशन के राइट साइड में OH NH2 है तो D, लेफ्ट में तो L। कई बार बच्चे क्या होते हैं सर, यही नहीं पहचान पाते कौन सा राइट है फिशर फॉर्मूला या कौन सा इनकरेक्ट है, तो राइट की अगर बात करें सर, तो यानी कि ये है अपने पास, तो यहाँ पे नंबर 1 कार्बन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू IUPAC, बिल्कुल, और इस चेन पे यानी कि ये वर्टिकल लाइन है, इस पे मेन चेन होनी चाहिए सर,
और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस पर कहीं भी हो। हाँ। अगर मान लो ओएचई साइड में है, यानी कि सिंपल अगर अपन बात करें तो ड्राइवर साइड में है। हाँ। तो सर डी लगा देंगे। हाँ। क्लासी साइड में तो एल लगा लगा देंगे। तो ये हमें लगता है ये सही लिखा है जी सर, करेक्ट लिखा है ये। OH है तो ये क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड में है। लेकिन 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 अगर जो इसी क्वेश्चन को हम ऐसे लिख देते OH जी सर, CHO और H जी सर, तो हमें इसको करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन बनाना पड़ता। हाँ सर, फिर इसको स्विच करना पड़ता। हाँ, और स्विच किसी भी आप तीन तरह के घुमा सकते हो जी सर। बॉम्ब लिख दे रहे हैं कैसे कैसे, अगर कोई ऐसा है ए बी सी डी, इसको 180 डिग्री घुमा सकते हो जी सर, कोई अपराध साबित जी सर नहीं होता है। और मान लीजिए यहाँ पे ए बी सी डी, इसको यहाँ लाए, इसको यहाँ लाए, इसको यहाँ लाए, ऐसा भी करने पर आपने कोई गलत काम नहीं किया है। ए बी सी डी, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ, ये तीन टाइप का रोटेशन आप कर सकते हो। पीएफटी में काम शायद सर इससे चल जाएगा। हाँ सर। तो आगे इस क्वेश्चन पे थोड़ा डिस्कस करिए जी सर। इसके बारे में 2-butanol का स्ट्रक्चर लिखिए एक बार। 2-butanol की अगर अपन बात करें तो अपने को ये दे दिया सर सेकंड नंबर पे OH, इसका मतलब इसमें कायरल कार्बन है तो ये ऑप्टिकल एक्टिव होगा, है मतलब ये अपना सही हो गया। और ये सही है ही है, नहीं सर ये गलत था सर, ये इसका एल कॉन्फिगरेशन आ गया, एल आ गया इसमें। मीजो कंपाउंड के लिए वही वाली बात आ जाती है सर, मोर देन वन कायरल कार्बन होने चाहिए, ठीक है, और हैव पीयूएस और सीयूएस। मतलब मीजो का मतलब ग्रीक में होता है मध्य। हाँ सर, मिडल यानी कि सिमेट्री। हाँ, तो ये दो कायरल, कम से कम दो कायरल जी सर, या दो से अधिक भी हो कोई दिक्कत नहीं। हाँ। और उसमें सिमेट्री आए जी सर, तो वो क्या हो जाएगा, मीजो। मीजो हो जाएगा। मीजो सर ऑप्टिकल एक्टिव होता है कि इनएक्टिव? ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है सर, क्योंकि सिमेट्री की बात कर दी ना जी सर, तो सिमेट्री आ गई तो ऑप्टिकली एक दूसरे को ये कैंसिल आउट कर देते हैं। हाँ, और इंटरनल कंपनसेशन। हाँ सर, बिल्कुल, यानी कि सर वो क्या कहते हैं, एक बहुत खास इंपॉर्टेंट बात ध्यान से रखना, मीजो कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। और हाँ सर, वो वाली बात हो जाती है ना सर कि अपने खेत है, खेत के बाहर सर बाढ़ करते हैं। हाँ। ठीक है, कि पशु पशु ना आए, कोई दूसरा भी ना आए, ठीक है, आप भी मेरे खेत में ना। हाँ, आ सको। हाँ। तो उसमें क्या कहते हैं कि एक कहावत है कि जब बाढ़ खेत को खाने लग जाए, इसका मतलब क्या हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। हाँ। सब कुछ। तो इसमें सर धरती दूसरे को मार लेते हैं, इंटरनल कंपनसेशन की बात। हाँ सर, ठीक। तो आंसर कौन सा हुआ सर अपना? सर अपना दूसरा एक ही आंसर हुआ, और ये बीजो कंपाउंड है, इसका मतलब बी और सी आंसर हो जाएगा सर, यानी कि अपना ही आंसर होगा। नेक्स्ट जी सर। हाँ, यहाँ पे हम थोड़ा सा इस क्वेश्चन में सुधार चाहेंगे, इसको हटा लेते हैं जी सर, अदरवाइज अपने को फिर ऑप्टिकल आइसोमर भी देखने पड़ जाएंगे, डाउन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक छोटा सा प्रकाश हम डालते हैं, एच सी एच डबल बॉन्ड ओ एन एच टू ओ एच, ठीक है जी सर, यानी कि कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल एमीन गिव्स ऑक्सीन। ऑक्सीन जी सर, और एच सी डबल बॉन्ड एन ओ एच ओ एच जी सर, और एक लिख दिया हमने CH3 CH डबल बॉन्ड O NH2 जी सर, यहां हो गया इसकी CH3। सर अपन मैकेनिज्म भी करवाते हैं कार्बन कंपाउंड। हाँ, है बहुत शानदार इसकी मैकेनिज्म जी सर इसमें। अब जी सर, अगर जो हमें सीधे देखना है इसमें, तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ये पूछता है, कईयों कंपाउंड देकर भी आगे क्वेश्चन है। अगर यहां पे सेम नंबर ऑफ कार्बन है, ध्यान से सुनना बेटा, यहां पे सेम है। हां सेम है। हां सर, तो वन होगा, क्योंकि आगे वो जी आई सो नहीं करेगा। नहीं करेगा सर। और यहाँ पे डिफरेंट आ जाए तो वो जी आई सो करेगा, तो टू आ जाए, टू एक सीन हो गया सर, और एक एंटी हो गया जी सर। यहाँ पे देखो हमने तो इसको हटा दिया, ये अपने क्वेश्चन सुधार के हटाया, इसीलिए था सर कि ये ओ आई भी शो कर देगा। हाँ। इसलिए, क्योंकि अपन ओ आई की बात नहीं कर रहे। यहाँ हो गया सेम जी सर, सेम हो गया, मतलब इसका मतलब अपने ये मिल गया, यहाँ पे डबल बोन एन और ओ एच, तो ये जी आई सो नहीं करेगा, तो इसका मतलब सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा सर। मतलब आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट जी सर, ठीक। अगर ठीक है सर जी सर, अगर तो यहाँ पे वो बात हो रही थी यहाँ पे CH3 लगाने की, तो सर ये कायरल भी हो जाएगा। हाँ, कायरल, तो फिर वो जी आई शो करेगा, आगे की बात हो जाएगी। नेक्स्ट जी सर, C7, ऐसे भी कई क्वेश्चन है जी सर, C7H7 उसने सर लिख दिया अभी, एरोमेटिक, एरोमेटिक यानी कि बेंजीन, तो बेंजीन को बनानी पड़ेगी आपको। जैसे कहने का मतलब है सर का, कि ये तो आप लेके चलो जी सर, और आगे ऊपर साफ करने के लिए CH2Cl करना पड़ेगा जी सर, और फिर ऑर्थोमेटा पैरा करना पड़ेगा आपको, ये तो कह रहे हैं आप। हाँ सर, CH3Cl CH3 सही पकड़े हैं सर, अभी यहाँ पे अपने Cl और एक अपने ये बना दिया सर, नहीं सर पैरा वाला। दिक्कत क्या हुई थी इसमें, क्या सर अगर जो एरोमेटिक नहीं कहता, मान लीजिए
बेंजीन नहीं करता, बेंजीन नहीं करता। तो सर अपन डीयू देखते हैं इसकी और हाँ, उसके बाद में बनाते हैं सर। इस टाइप से भी काम बनने लगते जी सर। ठीक जी सर, ये इसमें नहीं लेना है आपका, मतलब आंसर क्या होगा, 1 2 3 4 हो गया सर, यानी कि अपना फोर्थ आंसर आ गया सर। ठीक है डियर जी सर। हाँ बहुत बढ़िया सवाल है सर, इसकी मैकेनिज्म भी अपने करवाते हैं, लेकिन आज इसका एक शॉर्ट फॉर्म बता देते हैं जी सर। D2OOD- है, नॉर्मल है जी सर। तो जितने अल्फा एच है उसको रिप्लेस करो और वहां क्या लगा दो, डी लगा दो सर। तो यानी कि अल्फा हाइड्रोजन अपने पास 4 है, तो 4 की जगह पर क्या आ जाएगा, एच को हटाओ डी लगा दो, इसका मतलब अपना सेकंड आंसर होगा सर। सेकंड ये टॉटोमर के एप्लीकेशन की बात जी सर। तो टॉटोमर के एप्लीकेशन में, टॉटोमर को और नामों से भी जानते हैं, जैसे क्रिप्टोमेरिज्म है जी सर, स्यूडोमेरिज्म है, एलियोट्रोपी है, प्रोटोट्रोपी है, ठीक है, डेस्मोट्रोपिज्म है। तो ये उसके नाम है, टॉटोमरिज्म फंक्शनल आइसोमर शो कर सकता है जी सर, एसिड बेस द्वारा कैटालाइज हो सकता है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहता है जी सर। ठीक, और कोई इसमें इंफॉर्मेशन जी सर, वही होगी वो केमिकल प्रॉपर्टी, लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है जी सर, इतनी बातें। तो सिंपल सी ध्यान रखनी है, अल्फा एच है तो उसको हटाओ और डी लगाओ, डी लगाओ जी सर। ऐसे तो बहुत सारे सवाल आएंगे सर, बहुत हां, कार्बोनिल कंपाउंड में भी बिल्कुल बिल्कुल हां हां, बहुत बढ़िया सवाल है सर ये भी। पहले तो ईजेड जी सर, ईजेड की बात कर ले थोड़ी सी, एंड्रोजन ई मतलब एंड्रोजन और जेड मतलब जुसामेन जी सर, ठीक है ना। अगर सीनियर ग्रुप अपोजिट है तो ई, तो ई लगाएंगे, और सेम साइड है तो जेड लगा देंगे। अब सीनियर ग्रुप कैसे डिसाइड करेंगे, सीआईपी रूल जी सर, इस पर थोड़ी सी सीक्वेंस रूल, हाँ एक थोड़ी सी बात करेंगे इस पर जी सर। क्या हुआ कि ये एमआईटी से अपने यहाँ आईटी होती है, अमेरिका में एमआईटी इंस्टीट्यूट होता है जी सर, वहां पे एक टीचर थे आरएस कान, ये वैसे ये मॉर्सन बॉयडवर्ड में लिखी हुई बात है जी सर, आरएस कान थे। तो वो उन्होंने यही जो हम लोगों ने बात की कि एक कार्बन पे डिफरेंट ग्रुप है तो सो करेगा और जो नहीं है तो सो नहीं करेगा, और एक तो सिस बता दिया, एक को ट्रांस बता दिया। तब तक वही एक बच्चे ने उठा कहा कि सर मान लीजिए यहाँ पे आई है, यहाँ बीआर है, यहाँ सीएल है, यहाँ सर। उस बच्चे ने कहा मिस्टर कान क्या ये जीआई शो करेगा, तो मिस्टर कान ने कहा बिल्कुल करेगा। तो उसने कहा कि तब ये सिस होगा कि ट्रांस होगा जी सर, तो उससे मामला फंस गया जी सर, इसलिए फिर उसका सहारा लेना पड़ा। नहीं तो इनके दो दोस्त थे जो हार्वर्ड आरएस काम सीपी इन गोल्ड जी सर और परिलोक जी सर, तो इन तीनों लोगों ने मिलके एक रूल बनाया जी सर, इसको कहते हैं सीआईपी रूल या सीक्वेंस रूल के भी नाम से इसको जानते हैं। तो वो सीआईपी रूल से हम सीनियरिटी डिसाइड करते हैं जी सर। सीआईपी रूल क्या बनाया, हायर एटॉमिक नंबर हायर प्रायोरिटी जी सर, इफ फर्स्ट एटम इज सेम देन कंसीडर सेकंड एटम को, ठीक जी सर, आइसोटोप में हायर मास आइसोटोप हायर प्रायोरिटी, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री जी सर। ठीक जी तो सर, अब इसमें इसमें तो सिंपल सी बात है, इस टाइप की सिचुएशन है जी सर, सर सिस तो है ये जी सर, अब प्रायोरिटीज की डिसाइड करिए सर, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा, इधर कार्बन है इधर हाइड्रोजन है, तो इसको 1 नंबर, इसको क्या मिल जाएगा 2। अब नंबर कैसे देने हैं सर, कई बार लोग क्या होते हैं, बच्चे क्या करते हैं, सारों को नंबर दे बैठते हैं, तो उसमें एक कार्बन से अटैच दो डिफरेंट ग्रुप है उन्हीं को नंबर देना होता है, तो इसका मतलब 1 और 2, और इसको भी 1 और इसको 2, यानी कि एटॉमिक नंबर जिसका ज्यादा, इधर कार्बन डायरेक्ट अटैच है कार्बन से और यहाँ से हाइड्रोजन, मतलब सिंगल ग्रुप एक साइड हो गई जी सर, तो जेड जेड हो गया जूसा में। इसकी अगर अपन बात करें तो ये ई हो गया, क्योंकि फर्स्ट नंबर इसको, सेकंड इसको, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड, तो इसका मतलब ये क्या हो गया ई। थोड़ा सा इसको आसान करते हैं जी सर, अगर इस टाइप की सिचुएशन जी सर, इस टाइप की सिचुएशन हो तो सिस हो गया सर, जेड ये जेड हो गया, इस टाइप की सिचुएशन है या इस टाइप की सिचुएशन है तो ई, मतलब बेटा देखो इधर सीधा, ऐसे है तो जेड जेड, ऐसे है तो ई, ऐसे है तो जेड, ऐसे है तो ई, अपने को देखो ये तो सो ही नहीं करेगा जी सर, एक कार्बन पे सेम ग्रुप तो ये जी आई सो करेगा ही नहीं, ये हो गया जेड वही वाली बात हो गई सर, हाँ जी सर ई ई ई, और ये सो नहीं करेगा, तो क्या मतलब जेड जेड कितने हैं उसने पूछा है, ठीक है तो 3 है सर, ठीक है तो आंसर हो गया 3 हो गया सर। ठीक है बेटा शानदार क्वेश्चन, यानी कि सर वो ट्रांस हो, कोई मान लो अपन सेम ग्रुप सेम साइड में है तो अपन सिस बोल देते हैं, सेम ग्रुप अगर अपोजिट साइड में है तो उसको ट्रांस बोल देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो जरूरी नहीं है कि वो जेड ही हो ना, ये बिल्कुल सही बात कही उन्होंने, इसको आपको देखना ही पड़ेगा, हाँ आपको प्रायोरिटी रूल से आपको ई जेड डिसाइड करना पड़ेगा जी सर।
चलें जी सर। हाँ इसका एक चार्ट बनाइए सर। जी सर, अगर मान लो अपने पास कार्बन क्या है, फोर कार्बन दिया हो, एल्केन की बात सी फोर एच टेन की बात दे दिया, सी फाइव एच ट्वेल्व दे दिया, सी सी सिक्स एच फोर्टीन दे दिया, सी सेवन एच सिक्सटीन दे दिया, सी एट एच एटीन दे दिया, सी नाइन एच ट्वेंटी दे दिया और सी ट्वेंटी एच ट्वेंटी टू दे दिया सर। हाँ सी टेन सर। तो अगर अपन बात करें तो ये कितने आइस नंबर बना देगा सर? ये है कंपाउंड, ये है नंबर जी आई। हाँ ये अपने टू बना देगा सर, इसके अपन थ्री बनाएंगे, इसकी अगर अपन बात करें तो फाइव, इसके सेवन, इसके नाइन, इसके एटीन, एटीन, इसके नाइन, इसके एटीन और इसके थर्टीन, फाइव फाइव और उसके सेवेंटी फाइव। ठीक है सर, ये बनाया इसके बेटा चार्ट है क्योंकि और ये तो तीन आपको याद रखना। ठीक है बेटा जी सर। तो ये इसमें पूछा है सी नाइन एस ट्वेंटी थर्टी फाइव हो जाएगा सर। ठीक है जी सर। नेक्स्ट बात करें जी सर। हाँ वही बात, हेलो डिफरेंट है दो, सेम है वन, सेम है वन, क्या हो गया फोर। ये सीधे बात कर दी थी, अगर कार्बन पे सेम ग्रुप है तो वन, डिफरेंट है तो दो, सीधे गिन लिया, आंसर क्या आ गया? क्या नहीं वही वाली बात होगी सर, अगर सेम ग्रुप लगे हैं तो वो जीआई शो करेगा नहीं, और डिफरेंट है तो जीआई शो करेगा। एन कंटेनिंग कंपाउंड के लिए अपन सिन और एंटी का यूज करते हैं, तो एक सिन हो जाएगा और एक एंटी। ठीक है, इसमें कौन सा जीआई शो करेगा? सी थ्री टू सी सेवन डबल बॉन्ड कराने जीआई शो नहीं करेगा, ये कार्बन का सेम ग्रुप नहीं करेगा। अब यहाँ पे डिफरेंट है तो ये सर कर जाएगा, यहाँ सेम है ये नहीं करेगा, आंसर क्या हो गया थर्ड जी सर। नेक्स्ट चलते हैं जी सर। ठीक है, ये वही सर टोटोमेरिज़म, टोटोमेरिज़म बहुत बढ़िया शो करेगा जी सर, एसीटोन करता है सर करेगा, और ये पैरा टोटोमर जी सर, वो हाइड्रोजन है सर। अरे शानदार, ऐसे गलती ना करें। हाँ सर, हाइड्रोजन है तो वो भी शो करेगा सर, मतलब तो ये चारों कर गए जी सर, ए बी सी डी, ए बी सी डी। नेक्स्ट बात, नंबर ऑफ अपने पिछले एपिसोड में बात की थी सर, बेंजीन मेथिल कीटोन क्या स्ट्रक्चर बनाइए जी सर। बेंजाइल की अगर अपन बात करें तो बेंजीन, बेंजीन के साथ में सी एच टू होना चाहिए और सी, ठीक है सर, और कीटोन, और फिर आपने क्या बोल रहा है वो मिथाइल, मिथाइल यानी कि सी एच थ्री, इसका अल्फा ये है और इसका अल्फा ये है सर, गलत तो इसका मतलब फोर दे रखा है आंसर अपना ये। एल्केन सो पोजीशन आइसोमर व्हेन मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन इज सिक्स, सिक्स सिक्स कार्बन होनी चाहिए, ये गलत हो गया। साइक्लोहेक्सेनोन सो टॉटोमेरिज्म, बिल्कुल सही बात है, ये शो करता है यानी कि इसके पास अल्फा है सर, पास हाइड्रोजन जी सर, आंसर हो गया थर्ड, अपना थर्ड हो गया। एक्सीलेंट ईयर जी सर। इसमें आप सीधे मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक करिए। हां सर, कंफ्यूज हो जाते हैं लोग इसमें, तो इसमें कौन सा पूछ रहा है पोजीशन, पोजीशन आइसोमर नहीं है सर, वो कह रहा है कि कौन सा पोजीशन आइसोमर नहीं है, नहीं है। ठीक है सर, अगर अपन इसकी बात करो तो देखो वन टू थ्री फोर, ये क्या था, अब इसमें कार्बन नहीं है सर, कार्बन नहीं है, इसका मतलब कार्बन की पोजीशन चेंज नहीं करनी, फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन नहीं है उसकी पोजीशन अपन चेंज कर सकते हैं, तो OH इसमें वन नंबर पे, इसमें OH इसमें टू, इसका मतलब ये तो पोजीशन आइसोमर हो गया, वन टू थ्री फोर, सॉरी वन टू टू थ्री, इसका मतलब सर ये देखो यहाँ कार्बन आ गया, ये हो गया चेन आइसोमर, एक पोजीशन जी सर, इसका पोजीशन नहीं है। अब ये देखो सर, ये आपस में दोनों मेटावर्स भी है, और ये मेटावर्स के साथ साथ सी आई या फिर पी आई भी हो सकते हैं, तो इसका मतलब देखो यहाँ पे वन टू थ्री, और यहाँ पे अगर बात करें तो वन टू थ्री, यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे ओ सी एस थ्री लगा हुआ था, यहाँ पे अपने सेकंड नंबर पे ओ सी एस थ्री, इसका मतलब पोजीशन आइसोमर हो गया सर, हो गया। यहाँ पे अगर बात करें तो वन टू थ्री, और यहाँ पे वन और फोर हो जाएगा सर, बिल्कुल, तो पोजीशन आइसोमर नहीं है, वो थर्ड हो गया जी सर। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शनल जी सर, फंक्शनल जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम और एक में कोई अलग फंक्शनल ग्रुप जी सर, कोई अलग फंक्शनल ग्रुप जी सर, ये क्या हो गया फंक्शनल आइसोमर जी सर। ठीक है जी सर, चले नेक्स्ट, बढ़िया सवाल है, विनाइल रखा है और विनाइल दे रखा है सर, यानी कि एक डबल बॉन्ड आ गया, एक डबल बॉन्ड आता है सर, ऑप्शन में जाओगे आप सीधे जी सर, ऑप्शन में जाके देख लो किससे मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, किस आ रहा है सर, प्रोपेनल में आएगा सर, प्रोपेनल CH3 CH2 COH जी सर, सेम है जी सर, आंसर हो गया फर्स्ट। ठीक है, ये सर अपना एल्कोहल हो गया, इसका मतलब इसमें डबल बोन आ नहीं सकता, ईथर हो गया डबल बोन आ नहीं सकता, इसमें भी क्या नहीं आ सकता सर, डबल बोन नहीं आ सकता। ठीक है जी सर, बहुत बढ़िया सवाल है सर, हाँ अक्सर पूछा जाता है, बिल्कुल ये एक बार आया भी हुआ है जी सर, तो
ये एक्टिव मिथाइलिन वाला केस है जी सर, इनॉल बना के जिसमें रेजोनेंस हो। अब इसमें देखिए ये तो सिंपल, इनॉल हो, रेजोनेंस हो, किलेशन फॉर्म हो रहा हो, मोर स्टेबल। और जनरली कीटो और इनॉल में कौन अधिक होता है? कीटो, कीटो, ठीक है। तो इसमें तो ये सिंपल इनॉल है जी सर, हाँ, यहाँ पे दो एच, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये एच इसके साथ हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कर रहा है, कंजुगेशन भी है सर, यानी कि ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, छह और सात की रिंग जब किलेट बनाती है तो उस प्रोसेस कहते हैं किलेशन, और ये मोर स्टेबल होता है जी सर, आंसर आपका होगा जी सर, ठीक है। टोटल वेरिएशन सीधी बात, सीओ के ठीक बगल में कार्बन पास हाइड्रोजन, ये नहीं शो करेगा, ये शो कर जाएगा सर, ये इसके पास नहीं है सर, इसके पास भी नहीं है, तो आंसर हो गया थर्ड, थर्ड हो गया सर, ठीक है जी सर। C5H8 एल्काइन बनाइए जी सर, ये क्या कह रहा है, पॉसिबल कितनी एल्काइन अपन बना सकते हैं? 1, 2, 3, 4 और 5 कार्बन हो गए सर, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा सकते हैं। एक बार अपन क्या कर सकते हैं सर, डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज कर सकते हैं, सेकंड नंबर पे लगा दिया, फिर अपन क्या कर सकते हैं सर, ये कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे आपने डबल ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया और यहाँ CH3 लगा दिया सर, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन में कहता कि टर्न में एल्काइन जी सर, तो आंसर अपना होता 2 होता। यही वाली बात होगी सर, एक सीएल तो अपने यहाँ लगा दे और दूसरा सी 1, 2, 3 पे कर दो, 1, 2, 4 पे कर दो, ये लगा देंगे सर, यानी कि अपन क्या कर सकते हैं, 3 दे रखे हैं सर, तो अपने 2 को फिक्स कर दो और 1 को यहाँ कर दो, तो अपने यहाँ क्या कर देंगे सर, एक सीएल, दूसरा सीएल और थर्ड सीएल, फिर अपने 1 की पोजीशन चेंज कर दें थोड़ी सी, यहाँ पे क्या कर दिया, सीएल, सीएल और सीएल, फिर अल्टरनेट लगा देंगे सर, तीसरा, ठीक है डियर। तो हम लोगों ने इसको डिस्कस किया जी सर, अब इसमें आप गौर किया होगा कि और इधर उधर की बातें हम लोगों ने करी है, आइसोमेरिज्म 2 में हम लोग प्योर ऑप्टिकल आइसोमर की बात करेंगे जी सर, ठीक है। उसमें भी आपको ऑप्टिकल आइसोमर के लगभग सारे कॉन्सेप्ट आपको बता दिए जाएंगे, जैसे इसमें हम लोगों ने काफी बातें की, बहुत सारी बातें की सर, आगे और बातें क्वेश्चन के साथ 3-3, 4-4 क्वेश्चन की बात कर रहे थे, तो आप वीडियो को ध्यान से देखना, ध्यान से पहुंच करके, ठीक है। और सर कोई बात, कोई बच्चों को संदेश? बस सर मस्त रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ें, हाँ, गुरु रुचि देखते रहें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो जरूर कमेंट्स करें, हाँ ठीक है डियर, थैंक यू, जय सी एल सी।